वीडियो के स्टार्टिंग में आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैंने रेलवे पीईटी का एग्ज़ाम निकाला हुआ है। सामने आप देख सकते हैं मेरा रेलवे का पीईटी रिज़ल्ट, जिसमें कि मैंने 3:47 में 1000 मीटर का क्लियर किया था। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे तक में। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि रेलवे अपना पीईटी 3 जनवरी से कराने जा रही है, जिसमें कि अब 1 महीने का भी टाइम नहीं बचा। अगर आपने अभी तक रेलवे की रनिंग पीईटी की तैयारी नहीं की है, पीईटी का आपको जानकारी होगा कि इसमें 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर का रनिंग है, जो कि आप 4:15 का टाइम दिया गया है, उसको आप मिनिमम 3:50 तक खींच सकते हैं, यानी कि 3:50 में ला सकते हैं अगर आपकी अच्छी तैयारी है। तो इससे पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने पीईटी में क्या किया था। पीईटी के दिन हम सभी को बुलाया जाता है एक ग्राउंड में, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, इस तरह का ग्राउंड होता है जो 250 मीटर का रहता है ग्राउंड, एक राउंड जिसमें कि आपको 4 राउंड लगाने होते हैं, जो कि एक निश्चित समय दिया रहता है 4:15 से पहले। रनिंग से पहले आपको एक सीमेंट की बोरी उठानी पड़ेगी, जिसका वेट मेन के लिए 35 kg और वुमेन्स के लिए 20 kg का वेट होता है। उसको आपको 100 मीटर तक लेकर जाना है। यहाँ पर आप कंधे पर ले जाइए, सिर पर ले जाइए, या फिर कमर पर रख के भी ले जा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बस उस बोरी को यानी कि वेट को गिरना नहीं चाहिए नीचे तक 100 मीटर तक। 35 kg वेट उठाने पर बॉय को 3 मौके दिए जाते हैं, 3 चांस दिए जाते हैं, जिसमें कि आप 2 बार अगर फेल भी हो जाते हैं तो आपको 3रा मौका दिया जाएगा, जिसको आप 100 मीटर तक उस बोरी को ले जाकर रख सकते हैं। वहीं वुमेन्स यानी कि गर्ल्स को भी यही मौका मिलता है 3 टाइम। उनका भी रनिंग 1000 मीटर रहता है, जिसका टाइमिंग 5:20 होता है। तो उनको बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटी दी जाती है कि आप आसानी से अपना रनिंग कंप्लीट करें। अगर आप उस 100 मीटर तक बोरी को आसानी से ले जाते हैं, 2 मिनट के अंदर ले जाते हैं, जो कि बहुत ही आसान होता है, वहाँ पर दिए हुए स्टाफ आपको जहाँ पर आप बोलोगे वहाँ पर बोरी रख देंगे सिर पर, कंधे पर, और वो भी 1 मिनट के अंदर आप 100 मीटर का दूरी तय कर सकते हैं पैदल चलकर आराम से, उसमें रनिंग की भी ज़रूरत नहीं है। वो क्लियर होने के बाद आपको रनिंग ट्रैक पर लाया जाता है, जिसमें कि आपके पैर में मशीन लगा दी जाती है। हमारा रनिंग मशीनों के द्वारा हुआ था, एक पैर में मशीन बांध दी जाती है और एक कम से कम 15 मीटर का एक पट्टा पटक दिया जाता है जहाँ से रनिंग होती है। उस रोड पर जब एक पांव ज़रूर रखना है जिसपे मशीन लगी हुई है हर राउंड पर, तो आपको 4 राउंड में 4 बार उस मैट पर पैर रखना ज़रूरी होता है, जिससे कि आपका रनिंग काउंट होता है कितने टाइम में आपने किया हुआ। इस तरह का ग्राउंड्स होता है जिसमें कि थोड़ी रेत मिट्टी भी रहती है, घास नहीं रहेगा, और इस तरह का सर्कल रहेगा जो कि आसपास उस टाइम लकड़ी बांध दिया जाता है, अंदर नहीं जाएगा कोई। रनिंग की तैयारी करते समय बहुत से ज़्यादा लोगों का यही कन्फ्यूज़न रहता है कि सांस कहाँ से लेना चाहिए, मुंह से या नाक से। तो आपको हमेशा लंबी और गहरी सांस लेना है, वो कि नाक के द्वारा। अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो आपको गला सूखेगा, आपको रनिंग में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमेशा नाक से गहरी सांस लीजिए और गहरी सांस लेकर छोड़िए नाकों से ही। रनिंग से 15 से 20 मिनट पहले कुछ भी तरल पदार्थ, पानी, जूस, ये कुछ नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आपको पेट दर्द की शिकायत हो सकती है। और रनिंग के 5 या 7 मिनट बाद ही आपको कुछ पानी पीना चाहिए। एकदम अचानक से पानी पिएंगे रनिंग के बाद तो भी पेट दर्द या कुछ समस्याएं हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हमारा पैर किस तरह रखाना चाहिए ज़मीन पर रनिंग करते टाइम, हील्स पर रखाना चाहिए या टॉय पर रखना चाहिए। तो ये दोनों ही गलत है, जिससे कि आपके घुटने में दर्द हो सकता है। इस तरह से आप ये कोशिश कीजिए कि हमेशा समतल पैर रखा है आपका ज़मीन पर, दोनों हील्स और टॉय दोनों टच करें एक साथ ज़मीन पर। रनिंग करते समय आपका सिर हमेशा सीधा होना चाहिए और हाथ 90 डिग्री एंगल में ही घूमना चाहिए। आपका जितना अच्छा हाथ चलेगा उतना ही अच्छा रनिंग में आपका रिदम बनेगा, जिससे कि आप कम समय में आप अपनी रनिंग को कंप्लीट कर पाएंगे। रनिंग स्टार्ट करने से पहले अपने बॉडी को वार्म अप ज़रूर करें, जिसमें कि हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, ऊंची कूद नीची कूद लगाकर, पैरों का थोड़ा
ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपको रनिंग के बाद पेन नहीं होगा पैरों में। लकड़ी के द्वारा एक सर्कल बनाया जाता है, तो हमेशा आपको उस लकड़ी के बाउंड्री के आसपास से ही रनिंग लगाना है, ना कि दो तीन लोगों के उधर दूर से कवर करते हुए जाना है, जिससे कि आपको ज़्यादा रनिंग करना पड़ेगी, ज़्यादा एरिया कवर करेगा, इससे टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो हमेशा पहले नंबर पर रहें। और दूसरा ध्यान ये भी रखना है कि किसी भी दूसरे लड़के के ज़्यादा नज़दीक नहीं दौड़ना चाहिए, जिससे कि अगर वो कभी रुका, अचानक गिरा या फिर कुछ भी उसको हुआ तो आपको लेट हो सकता है। तो हमेशा उसको ओवरटेक करके या उससे उचित दूरी बनाकर ही रहना चाहिए। पहला राउंड नॉर्मल स्पीड जितना कि मान लीजिए आप मैक्सिमम 100 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ सकते हैं, तो स्टार्टिंग आप 60 से कीजिए, 60 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से कीजिए। इसके बाद दूसरा राउंड 80, तीसरा राउंड 90 किलोमीटर और चौथा राउंड आपको जितना भी आपकी ताकत बची है उसमें आप 100% देकर 100 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड से दौड़ें। अगर आप पहले दूसरे राउंड में ही अपना पूरा 100% दे देंगे तो आपको लास्ट तक रनिंग में बहुत दिक्कतें होंगी, सांस फूलने लगेंगी। इसलिए हमेशा स्टार्टिंग में आपको यही करना है, प्रैक्टिस के दौरान भी आपको हमेशा यही करना है, नॉर्मल से स्पीड से स्टार्ट होकर मैक्सिमम स्पीड तक लास्ट तक जाना है। रनिंग के लिए आपको एक हफ्ते में मिनिमम 5 days का रनिंग ज़रूर करना चाहिए। रनिंग के बाद आपकी मसल्स को आराम मिले, इसलिए मस्टर्ड ऑयल की मालिश करना चाहिए, जिससे बहुत रिलैक्सेशन मिलता है आपके लेग को। और रनिंग का 2-3 दिन, जिस दिन आपका PET एग्ज़ाम है उससे 3-4 दिन पहले आपको मैदान में दौड़ लगाना बंद कर देना है, जिससे कि आपका बॉडी मसल्स फ्री रिलैक्स हो जाए और आप उस दिन आसानी से उस दौड़ को क्लियर कर सकेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में और भी क्वेश्चन हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब रेलवे तक, जिससे कि आपको रेलवे से रिलेटेड सभी तरह की जानकारी इसी एक ही प्लेटफॉर्म से मिलती रहे। जय हिंद।